Hello my dear students, once again I welcome you all to my online classes. So my dear students, I hope you have performed well in your exams and now you are all set for learning another remaining things and new things with me. Okay, so my dear students, your annual syllabus is completed. Whatever lessons we have done so far are there. And now it's time to revise our previous lessons. And as you all know that there are some lessons of half yearly which also come in final exam. So I'm going to revise your first lesson sentence from your grammar book in this video. So bacho, is video mein hum log sentence jo aapki book ka first lesson hai grammar book mein उसको हम डिस्कस करेंगे और इस लेसन को अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू दिस वीडियो नाउ. जैसा कि आप सब जानते हो सेंटेंस क्या होता है. ओके, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ओके, सो बच्चों, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी को जोड़ करके वर्ड्स बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सी प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू कैट, है ना. तो जैसे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके हम वर्ड्स बनाते हैं, उसी तरीके से जब हम वर्ड्स को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स कंप्लीट सेंस, मेक्स कंप्लीट सेंस का मतलब है कि उसका कोई मतलब लिखे निकले. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कैट, तो इसमें देयर है, इज है, आ है और कैट है. लेकिन अगर हम इन सभी वर्ड्स को ऐसे देयर इज अ कैट ना कह करके बोलें कैट इज देयर आ, तो क्या इसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा. तो इसलिए बच्चों, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज न्यूक्लियर पावर, इंडिया इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर, वाई ओनली पाकिस्तान. आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है मेरे बच्चों, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं. जैसे अभी मैंने बताया कि सेंटेंस अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना होता है, तो हर जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं उनको हम देखते हैं. ओके, सो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम अ पर्सन और थिंग एंड दैट इज नोन एज सब्जेक्ट टू टेल समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग. तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम किसी को नाम देते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग समोसा, तो राम है, राम इज अ सब्जेक्ट एंड राम इज डूइंग समथिंग. हाँ, राम क्या कर रहा है, वो समोसा खा रहा है. सो इज ईटिंग समोसा इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मीन्स द नेम ऑफ अ पर्सन एंड वट एवर दैट पर्सन इज डूइंग इन दैट कुड बी प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें देख सकते हैं द गर्ल वॉश्ड द क्लोथ्स. अब बच्चों, इसमें करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, द गर्ल है एंड वॉट शी इज डूइंग, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स. तो द गर्ल इज द सब्जेक्ट एंड वॉश द क्लोथ इज प्रेडिकेट. तो बच्चों, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक्शन को कौन कर रहा है और वो जो भी कुछ कर रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम देखें, सो राइट नाउ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो बच्चों मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इज माई प्रेडिकेट बिकॉज आई एम डूइंग दिस वर्क. उसी तरीके से अगर मैं कहूँ यू आर लर्निंग इंग्लिश, सो यू आप लोग सब्जेक्ट हो, आर लर्निंग इंग्लिश इज यू आर डूइंग, तो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा आर लर्निंग इंग्लिश एंड यू विल बी योर सब्जेक्ट. तो आई होप बच्चों आप लोग इतना समझ गए हो. हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस अलग अलग तरीके से कैसे होते हैं. ओके, सो सब्जेक्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मींस अ डूअर ऑफ अ एक्शन. जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि
जो काम को करता है उसे हम कर्ता के नाम से पुकारते हैं, उसी तरीके से व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। सो राइट नाउ अभी काम कौन कर रहा है, अभी मैं कर रहा हूँ काम, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आई एम टीचिंग यू, सो व्हाट इज सब्जेक्ट, आई। किसी भी सेंटेंस में जो कोई भी काम करते हुए दिखे उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज कुकिंग फूड, अब इसमें खाना कौन बना रहा है, शी बना रही है तो शी है सब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो इन दिस सेंटेंस द सन इज सब्जेक्ट, सन एक सब्जेक्ट है। अब बच्चों हम प्रेडिकेट को देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेडिकेट मीन्स जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। डैट टेल समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, हसन सर्व्स हिज पेरेंट्स, सो हसन इज सब्जेक्ट, सर्व हिज पेरेंट इज प्रेडिकेट। सो आई होप बच्चों आप सब समझ गए होंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, किसको सब्जेक्ट कहते हैं, किसको प्रेडिकेट कहते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी आपको नहीं होगी। अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं कौन से अलग अलग काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। सो बेसिकली आपके बुक में 4 है तो हम उसी को देखेंगे। इन योर बुक इट इज़ गिवन डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। अब बच्चों देखो, कभी भी कोई भी बात करता है, जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग बहुत से सेंटेंस एक्सचेंज करते हैं। कोई हमसे कुछ बोलता है, हम उसका कुछ आंसर देते हैं, कोई हमारा क्वेश्चन करता है, कोई हमें गाइड करता है। कभी हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो हम अलग तरीके से कुछ सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस बच्चों बेसिकली क्या है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं उसको अलग अलग 4 तरीके से डिवाइड कर लिया गया है। पहला तरीका है डिक्लेरेटिव तरीका। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब भी हम कोई आंसर दें या कोई स्टेटमेंट दें या कोई बात कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टीचिंग, मैंने बताया कि मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर लिसनिंग, मैंने बताया कि तुम सुन रहे हो। सो दीज ऑल आर स्टेटमेंट। अगर आपको ईजिली समझाएं बच्चों तो हम कहेंगे कि ऐसे कोई भी एग्जाम्पल जिसमें सिंपली किसी आंसर को दिया जा रहा है या किसी बात को बताया जा रहा है उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और जनरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। अ सेंटेंस डैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन, दे यूज पीरियड मीन्स फुल स्टॉप। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हमसे कोई बात बताए, कोई आंसर दे, कोई इन्फॉर्मेशन दे और उसके एंड में फुल स्टॉप लगा हो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये सब एक ही चीज़ है, सिंपल सेंटेंस, ऑल आर सेम। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ओके, सो बच्चों ही कौन है, सब्जेक्ट, गोज़ टू स्कूल इज, गोज़ टू स्कूल डेली इज प्रेडिकेट। अब बच्चों जब हम कोई चीज़ का आंसर दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम हर बार कुछ बताते नहीं हैं, कभी कभी हम पूछते भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं टीचर से पूछूंगा, सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन। तो जब भी हम कोई सवाल करते हैं, वेन एवर वी आस्क समथिंग, दैट थिंग इज़ नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बच्चों इंटरोगेटिव आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई पुलिस केस होता है, क्राइम होता है, तो पुलिस आकर छानबीन करती है, लोगों से पूछताछ करती है, उसको हम कहते हैं इंटरोगेशन कर रही है पुलिस। सो इंटरोगेशन का मतलब ही होता है पूछताछ करना। इस वजह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस वेयर वी आस्क समथिंग। जब हम किसी चीज़ को पूछते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, इस वजह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू ईट, व्हाई आर यू लेट, दीज ऑल आर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके,
आगे हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं. वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, इज इट रेनिंग. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं दोनों. आगे बच्चों हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस और जो पहला वाला था डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, दोनों ना बहुत सेम है, एक जैसे ही हैं. आप कह सकते हो दे बोथ आर लाइक ब्रदर्स, दोनों भाई भाई जैसे हैं. बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमें कोई गाइड कर रहा होता है, कोई हमें एडवाइस करता है उस सेंटेंस में, कोई हमें सजेशन बताता है, कोई हमें ऑर्डर देता है, कोई हमें रिक्वेस्ट करता है. अगर बच्चों मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट है तो इसका मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. लेकिन अगर मैं बोलूँ आई शुड टीच यू इंग्लिश, अब पहले सेंटेंस से ये सेंटेंस अलग क्यों है? क्योंकि जब भी हम शुड की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि हम कोई एडवाइस या सजेशन की बात कर रहे हैं, और अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन की बात है तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है. ओके, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट्स शुड लिसन टू ऑनलाइन क्लासेस. तो पहला वाला जो सिंपल था और दूसरा वाला सेंटेंस हो गया मेरा इम्पेरेटिव. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट. कमांड मतलब जब आप किसी को कोई तरीका बताते हो, है ना, जैसे यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, ओके, यू शुड कट योर हेयर शॉर्ट, यू शुड वेयर स्लीपर्स, यू शुड वेयर शूज, ओके, यू शुड नॉट कम लेट, दीज ऑल आर कमांड. एडवाइस का मतलब जब आप किसी को अच्छी एडवाइस देते हो, फॉर एग्जाम्पल यू शुड स्लीप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू नॉट वॉक फास्ट ऑन द रोड, डोंट प्ले ऑन द रोड, दीज थिंग्स आर एडवाइस. और जब आप कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ पेन, कैन आई टेक यू पेंसिल, these all sentences become imperative sentence. So pick up the book, it's like commanding, clean your room, order, ye dono hi sentence kya hai, imperative sentence hai. So aap example bhi dekh sakte ho, go ahead is command, speak the truth, advice, please give me your book, request. So command, advice, request, aap samajh gaye. Okay, तो बच्चों लास्ट में जो सेंटेंस आता है वो भी बहुत इजी सेंटेंस है. वो एक ऐसा सेंटेंस है जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खुश हों या तो बहुत ज़्यादा दुखी हों, और उस केस में जब हमारे जब हम लोग ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, हुर्रा, यिप्पी, वाओ, ओ माय गॉड, वंडरफुल, तो ऐसे टाइप के जब हम सेंटेंस बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा हम खुश हों या दुखी हों, तब उस टाइप के सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये है कि दे ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, है ना. स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे? अब आपको पता चला कि आप क्लास में फर्स्ट आ गए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए और आप बोलोगे ये आई केम फर्स्ट इन द क्लास. सो यह जो आपके आपने बोला वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देता है वो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी वॉन द वर्ल्ड कप, अलास, सलीम्स फादर डाइड. जब हम बहुत ज़्यादा अफसोस में होते हैं तो हम कहते हैं अलास, जैसे आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा लोग कहते हैं हे राम, हे भगवान, वैसे ही अलास होता है. ओह, वो भी जब हम लोग दुखी में होते हैं तब हम लोग कहते हैं वाह. जब हम खुश होते हैं, वाह व्हाट अ वेदर, वाह व्हाट अ प्लेस, वाह व्हाट अ वंडरफुल कार, वाह सो टेस्टी फूड. हुर्रा, हुर्रा जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ये हुर्रा, यिप्पी, दीज ऑल आर लाइक दिस. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे. आगे मैं बच्चों आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है. फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. यू शुड ईट आइसक्रीम,
पॉजिटिव सेंटेंस, यू शुड नॉट ईट आइसक्रीम नेगेटिव सेंटेंस। सो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नो, नेवर, डू नॉट, शैल नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, या जो भी चीज़ें जो नॉट से रिलेटेड हो लगी हो वो सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। सो नेगेटिव सेंटेंस इज यूज टू निगेट समथिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट योर बुक, आई एम नॉट गोइंग लाहौर। ओके, सो इतना ही रखते हैं बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी होगी। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग यू, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कम्प्लीट सेंस। जब कई सारे वर्ड्स को जोड़कर एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स, एंड आपने आज कुछ सीखा, और अब आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए, उसको पढ़ के कोशिश करिए कि देखिए आपको कितना समझ में आता है। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर नेम्स। ओके, आई विल बी शेयरिंग सम एक्सरसाइजेस ऑल्सो विद यू, सो कंप्लीट दैट ऑल्सो। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।